सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल इट्स वन ब्लॉग्स। सो कैसे हैं आप? सो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ लेके आ गई हूँ एक कुकिंग वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ एक साउथ इंडियन डिश जो कि बहुत पॉपुलर है। सो चैनल पे जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेदू वड़ा और सांभर, जिसका बैटर मैंने तैयार करके रखा हुआ है। तो मेदू वड़ा के लिए आपको उड़द की दाल बिना छिलके वाली चाहिए, उसको आप रात भर सोक कर लीजिए पानी में और सुबह उसको आप मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए। पतला होना चाहिए जैसा आपको बैटर दिख रहा होगा। उसके अंदर फिर मैंने भुना ज़ीरा और काली मिर्च पाउडर डाला है और नमक डाला है। आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हो, प्याज भी डाल सकते हो, धनिया पत्ती भी डाल सकते हो, बट मैंने वो सब नहीं डाला। मैंने सिर्फ नमक और ज़ीरा और काली मिर्च का मैंने पाउडर डाला और भुना हुआ। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है सोडा जो खाने वाला होता है। तो इसको मैं अभी चेक कर लेती हूँ कि कढ़ाई जो है वो तेल जो है वो गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कटोरी के अंदर पानी है और पानी में वो, इसको हम कहते हैं डब्बू कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। तो इसके ऊपर इस तरह रख के बीच में थोड़ा सा छेद करके, और अब जब इसको तेल में छोड़ेगा ना तो वो बहुत ही अच्छा बनता है। मतलब मुझे ये ट्रिक नहीं पता थी, मैंने भी यूट्यूब से देखा है। तो इस तरह करने पे ना थोड़ा बहुत उस पर लगता है, बाकी वो पूरा तेल में आ जाता है और बीच में जो होल है ना वो हो जाता है। अब आप अगर हाथ से करोगे आपसे हो जाएगा, शायद मुझसे नहीं होता है, बहुत से लोगों से ये नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोग ने बनाया है बिना इसकी मदद से तो आप बताइएगा कि किसने किसने इस तरह बनाया है, और आप लोग किस तरह बनाते हो ये मुझे बताना। क्योंकि भाई मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, हाथ से मुझसे नहीं हो पाता है। हाथ से अगर करूँगी ना तो वो हाथ, मतलब क्या बताओ, पकौड़े जैसा शेप बनेगा, बीच में जो छेद है ना वो नहीं होता। तो इस तरह करके मैंने अभी चार डाले हैं, तो ये पांच, एक बार में मैं पांच से छह डालूँगी। तो यहाँ पे अब ये इसको पलटना है क्योंकि एक तरफ जो है वो पक चुका है आधा। अब देखिए इसका जो साइज़ है ना वो बड़ा हो गया थोड़ा। क्यों? क्योंकि वो बेकिंग सोडा से, ऐसे भी अगर आप इसको हाथ से बहुत ज़्यादा फेंटिएगा ना तब भी इसमें थोड़ा सा ये जो फूला हुआ है ना वो आएगा। बट मैंने इसमें सोडा डाला है बिकॉज़ मुझसे सोडा से अच्छा होता है। और खाने में तो मैं तो बहुत बार बनाती हूँ, हफ्ते में आए पर एक बार तो मैंने बन ही जाता है। इसके साथ नारियल की चटनी या फिर सांभर। तो यहाँ पे मैंने सांभर जो है कुकर में बना लिया है, बट इसमें जो तड़का है ना वो डालना बाकी। सांभर बनाने के लिए आप उड़द की दाल, उड़द की दाल नहीं, अरहर की दाल लीजिए, नमक डालिए उसमें और हल्दी डालिए और पानी डालिए और जो भी आपके पास वेजीज जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने उसमें डाला है टमाटर, कैरेट और मिर्च और बाकी जो इमली का पानी और तो वो मैंने पाँच छः सीटी डलवा के अच्छे से बना दिया है। अब यहाँ पे तड़के के लिए मैंने ले लिया है नॉन स्टिक का पैन, ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है राई। राई उसके बाद उसको थोड़ा सा और गर्म होना चाहिए था, मैंने थोड़ा पहले ही डाल दिया। तो राई डाल दिया, फिर मैंने इसमें हींग डाल दी। हींग क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग किस तरह से आप टेस्ट पसंद करते हो, मैं बहुत लाइट हींग डालती हूँ। एक मैंने मिर्ची डाल दी है और ये जो कड़ी पत्ता है ना ये धुल के रखी हुई थी मैंने, इस तरह इस तरह रखी ताकि इसका जो पानी है ना वो थोड़ा गिर जाए। अदरवाइज़ हम तुरंत धो के जब डालेंगे ना तो बहुत कड़कड़ आवाज़ आती है और वो सीधे ना मतलब आपके फेस की तरफ भी छींटे आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी आवाज़ हुई थी। और इसको जैसे आप कड़ी पत्ता डालो तो ऊपर से आप एक ढक्कन रखो उसको ढकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना वो बहुत छींटे फेंकता है। तो यहाँ पे इस तरह मैंने इसको डाल दिया है। अब इसमें मैं जो मैंने दाल बनाई है, मतलब सांभर बनाया है, वो मैंने डाल दिया है। मैंने सांभर मसाला भी इसमें ऐड किया है। तो बहुत से लोग बिना सांभर मसाला के बनाते, सांभर मसाला घर में बनाते, तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे बनता है सांभर मसाला घर पे। सो यहाँ पे ये तड़का भी तैयार हो गया है और ये मेरे मेदू वड़ा ये भी तैयार हो गए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मैंने टेस्ट भी कर लिया, अच्छा बना है। सो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टाटा एंड बाय बाय।